Hello guys, very good morning, good afternoon and good evening. At what time you are learning? So greeting for the day. तो बच्चों मैंने कल आपसे कहा था, इन किसको कहा था, जो बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कल उन्होंने कहा था कि सर तो रियल नंबर का एक वीडियो आप जो है ये खासकर इरेशनैलिटी प्रूफ करने वाला, इसको आप हमें सिस्टमेटिकली एक एक वीडियो दे दीजिए. सो गाइज आई एम हियर प्रेजेंटिंग यू दिस वीडियो that will tell you how we can prove the irrationality of a number. So let's hum baat kar rahe hain maths class 10th ke chapter number 1 real numbers ki, aur hum isme aaj discuss karenge ki kaise aap kisi number ki irrationality prove karte hain. Okay, तो सबसे पहले एक बात जानिए, आपकी जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. So I am ready here to explore the contradiction method. तो सबसे पहले word contradiction का meaning समझो. Contradiction meaning होता है differences in opinion. मतलब आप कुछ मान के चले और हो कुछ और जाए. Okay, या आपके ही दो जवाब आ जाए, आपकी ही बात के कितने जवाब आ जाए, दो जवाब, that is called difference in opinion. So इसको कहते हैं contradiction. हिंदी में इसे बोलते हैं, एक बहुत ही सुंदर सा word है जिसे कहते हैं मतभेद. मतलब दो लोग के रिस्पॉन्सेस अलग अलग हो जाए यदि, तो ये मतभेद कहलाता है. ओके, सो कॉन्ट्रडिक्शन का पहले आप एक एग्जाम्पल समझ लो कि एग्जाम्पल क्या है कॉन्ट्रडिक्शन का जनरल लाइफ में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सही क्या है. मान लो बच्चों आपके पास कोई एक सेलर है, एनिमल सेलर है, और वो आपको कुछ बेचने आता है, कोई एनिमल बेचने आता है. वो क्या बेच रहा है आपको, वो वैसे उसका काम है हॉर्स बेचने का, बट वो क्या करता है, एक डंकी को कहता है कि ये डंकी हॉर्स है, आप इसे खरीद लो. ये डंकी जो है हॉर्स है, आप उसे समझा रहे हो कि भाई मान लिए डंकी हॉर्स नहीं है, ये डंकी हॉर्स जैसे नहीं दिखता है, बट वो कह रहा देखो इसके भी दो कान है, एक सिर है, चार पैर है, सो भाई ये हॉर्स ही है, आप इसे डंकी मत समझो, ये हॉर्स ही है. ओके, तो आपको आपको प्रूफ करना है कि वो हॉर्स नहीं है, वो डंकी ही है, या ये प्रूफ करना है कि वो हॉर्स नहीं है. ओके, मतलब कुछ भी है, आपको वो गलत प्रूफ करना है कि भाई ये चीज जो है तुम्हारी गलत है, जो तुम कह रहे हो ये गलत है. तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट आपको जो गिवन डंकी है उसी को हॉर्स मान लो. भाई वो क्या बोल रहा है कि डंकी हॉर्स है, बट है तो नहीं ना, बट आप क्या मान लो कि भाई चल मान लिया तेरा डंकी ही हॉर्स है, तो लेट गिवन डंकी बी हॉर्स. ओके, अब क्या करोगे, आप डंकी को हॉर्स मान लियो, ठीक ना, अब आपने बोल दिया चल मान लिया भाई ये हॉर्स है, अब क्या करेंगे, अब आप इस पे हॉर्स के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाएंगे, मतलब इसे आप दौड़ाओगे. ओके, सो मे बी थोड़ी दूर तक डंकी और हॉर्स एक जैसे दौड़ लेंगे. दूसरा टेस्ट आप लगाएंगे क्या, दूसरा इस पे आप जो टेस्ट लगाएंगे वो लगाएंगे इसकी आवाज निकलवाने का, तो हंकी की स्पेसिफिक आवाज होती है हिन हिन आने की. ओके, तो जो सॉरी हॉर्स की आवाज जो होती है हिन हिन आने की, तो जब आप इसका कान खींचोगे तो बताओ ये हिन हिन आएगा या ढेंचू ढेंचू बोलेगा. ऑब्वियसली बेटा ये हिन हिन आएगा नहीं, ये अपनी ढेंचू की आवाज निकालेगा. तो मतलब हॉर्स और ढेंचू की आवाज इम्पॉसिबल, मतलब आपने क्या माना था उसको हॉर्स है, अब भैया हॉर्स है तो हिन हिना, बट ये क्या निकाल रहा है, ये ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाल रहा है. ओके, तो इसका जो साउंड है वो रॉन्ग है, तो समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, ये मतलब जो हमने हॉर्स मान के इसको चला है ये एग्जैक्टली हॉर्स नहीं है, ये क्या है, ये डंकी है. तो ये क्या था, हम मान के चले हॉर्स, और क्या आ गया रिजल्ट में, नॉट अ हॉर्स मींस डंकी आ गया. सो बच्चों ये कहला गया हमारे ही ओपिनियन में डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन. इस तो कई बार मैथमेटिक्स में हमें कुछ स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए इस मेथड की जरूरत पड़ती है, दिस मेथड इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. ओके, तो स्टार्ट में आपको एक कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट या कि टाइमिंग स्टेटमेंट मान के चलना पड़ता है जो कि गलत होता है, आपको पता भी होता है फिर भी आप मानते हो उसको सही मानते हो, दैट इज कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट. बाद में रीजनिंग देते हो, बाद में कुछ
कॉलम्स देते हो और कहते हो कि भैया हमारा स्टेटमेंट गलत निकल गया है एंड वी आर सॉरी फॉर दैट, और हम डेड बॉल का इशारा करते हैं लाइक कंप्यूटर्स में, सॉरी क्रिकेट में जैसे एम्पायर करते हैं उनसे कोई गलती हो जाती है तो ओके, और लास्ट में लिखते हैं कि अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइजेस, सो हम अपनी गलती मानते हैं और अपने रॉन्ग स्टेटमेंट को करेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिखते हैं कि दिस इज नॉट अ हॉर्स, दिस इज अ डंकी, जो मुझे बंदा बेच करके जाने वाला था या बेच करके गया है, दैट इज अ डंकी। तो यहाँ पे मैंने डंकी का एग्जाम्पल दिया, हॉर्स का एग्जाम्पल दिया है, ओके अब इसको देखो कन्वर्ट करो। ये तो मैंने आपको समझाया जिससे एग्जाम में आप कभी ना भूलो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की मीनिंग, बट अब मैं आपको इसको फुल सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो लेट सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। सो राइट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार आ चुका क्वेश्चन है और हमेशा परेशानी बना रहता बच्चों के लिए। प्रूव दैट अंडर रूट टू इज आ irrational, IR is an irrational number. आपको प्रूफ करना है कि ये irrational number है। तो प्रूफ क्या करना है, irrational मतलब उसे horse प्रूफ करना है, बट आप horse प्रूफ करने के लिए उसे horse लेके नहीं चलोगे, स्टार्ट में क्या लेके चलोगे, donkey लेके चलोगे। सो आप मान के चलोगे कि let root 2 is a rational, प्रूफ करना है irrational तो लेके क्या चलोगे आप, rational, you will consider that the given number to you is rational number।